साहब ने पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ कयानी साहब और जरदारी साहब से जाती तौर पे गिला किया, गिला किया कि ये क्या है, याद है ना। अब प्रोसेस चलता चलता आया और उसके बारे में चूंकि बाइडन खुद जो जिस बात को हम समझ के ही नहीं देते हैं, बाइडन थ्रू आउट 37 साल तक ये शख्स अमेरिका की सेनेट की फॉरेन पॉलिसी कमेटी का सरबरा रहा है, है? वो ये कहता था प्रॉब्लम इज नॉट इन अफगानिस्तान, प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान। छो उधर ना जाओ, दिस इज बाइडन। देयरफॉर वो जो ओरिजिनल था कैरी लोगर बिल, वो बेसिकली ओरिजिनली जो था ये कैरी लूगर नहीं था, ये बाइडन लूगर था। लेकिन बाइडन तो बाद में फिर हो गया वाइस प्रेसिडेंट, देयरफॉर उसकी जगह आया जॉन कैरी, तो कैरी लूगर हो गया। उसके खिलाफ ड्राफ्ट सारा इन्होंने तैयार, सर इसका ड्राफ्ट करता था। ओके, कि यूं करके अगर हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है आएगी, उसको अगर इस तरह हम मजबूत बनाए इकोनॉमिकली, तो देन ये है एंड पॉलिटिकली एज वेल। वैसे एक हिसाब से उसमें सबसे ज्यादा शोर किन्होंने मचाया था, हम ही लोगों ने मचाया था ना, अरे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी छिन गई। बड़ा अच्छा, जो आज इमरान खान ने कहा है मैंने नहीं पढ़ा, आपने जो रिपोर्ट किया, देखें उस दिन जब जो कतर में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो साइन हुआ था, आपको पता सारे अमेरिकन और अफगान क्यादत जो है वो जब मुहिदा साइन होने लगा तो पता लगा वो कॉपी नहीं है जिसपे साइन करना है, वो कॉपी नहीं है, तो कहाँ गए, वो कॉपी किधर गई, तो रात हमने पढ़ी थी फर्स्ट ड्राफ्ट आया था ये ब्ला ब्ला, उन्होंने कहा नहीं जी उसमें नीचे जो सिग्नेटरी थे वो बदल दिए गए, और वो सिग्नेटरी कहाँ से बदले गए, इस्लामाबाद से बदले। चलो तो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि अमेरिकन बैठे इंतजार कर रहे हैं कि वो कॉपी इस्लामाबाद से आए और हम साइन करें। उसके बाद फिर वो ये इंतजार कर रहे थे कि 15 अगस्त को हम जलील व खार होकर निकले, और इसलिए आज वो याद कर रहे थे ना, उन्होंने कहा वी आर हाउ कैन आई गो अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, इमरान गवर्नमेंट हु हैड हेल्प्ड अस टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान इन अ वेरी ऑनरेबल वे। ये तो कहा है आज उन्होंने, किसी और सेनेटर ने किया या कांग्रेस ने डिस्क्रेडिट किया, क्या बात कर रहे हो यार। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि बाबू ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बार बार आप गए थे उनके कि वो आपको कहे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस शख्स को दुआ ही उसकी अकल की मान सकता हूं जो ये समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत चाहता है। अरे भाई मेरी जनरेशन, मैंने उनकी ह्यूमन राइट्स के साथ मोहब्बत अमरीकनों की अपनी आंखों से देखी हुई है, जिस वक्त ये जज्बाती गुफ्तगू, अरे क्या ज़ियाउल हक के साथ मिलके यूं अफगानिस्तान को आजाद करवाया जा रहा था, तो क्या हमारे मुल्क में 4 सहाफियों को सड़कों पर कोड़े नहीं मारे गए, चार नहीं कहीं को मारे गए, नहीं सहाफियों को, हाँ। ये हो गई उनकी आजादी है सहाफत से मोहब्बत, उनके जरे साया बीमार हुए जिनके सबाब उसी अतार के लड़के से दुआ लेते हैं, यार क्या बात करते हो, अतार का लौंडा है मेरे ख्याल में, लड़का है जी। अच्छा, ओरिजिनल शेर में चूंकि आपको इब्ने इंशा पढ़े हुए हैं, हाँ। तो मैं यार फिर वही बात है, इतना अच्छा फ्लो में मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं इसकी तोहीन समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अब मैं हाथ आके शदीद मायूस हूँ अपने यहाँ की जमहूरी अमल से और सियासी जमातों से, उसके बावजूद मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं कि मैं अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए मैं कहूं अमरीका जरा अख्ते लावे, जरा प्रेशर से पावे, जरा आर्म ट्विस्टिंग करे, और क्या हुआ है वो बार बार हर सवाल का जवाब का दे रहा था। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक और एंगल आप देख रहे हैं ना, देखो हम अब जरा मैं क्योंकि चाहता हूँ इसमें यार मैं गवादर पे आ जाए, फिर मेरे पास आई हैव सॉलिड आर्गुमेंट्स ना, मैं उसको गवादर के सिलसिले में मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला क्या है। मसला यह है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने जो एक ये शुरू किया है वो परहैप्स वी हैव स्टार्टेड इट टू अर्ली। क्या शुरू किया, ये जो हमने एक्शन शुरू किया ना अफगानिस्तान में, वो तो फौरी रद्द अमल दिया ना, हाँ। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले इन्हें अपना प्लान तैयार करके कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि देखो गुफ्तगू वगैरह से तो अफगानिस्तान अपने इलाकों से जो हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है वो रोकने के काबिल नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह ऑपरेशन ज़र्बुल अज़ब या रद्दुल फसाद या इस तरह की कोई चीज करनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार उसमें इजाफा होगा एक कि जो भी नया ऑपरेशन होना है वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही हुआ तो रद्दुल फसाद या उससे पहले ज़र्ब जो भी हुए उस दोबारा जो है वो दहशतगर्दी की लहर लौट आएगी, इसलिए कि जब आप यहां पे चीजों को क्लीन करते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके वहां चले जाते हैं।